तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया है आज, जो कि मैं सीरीज चला रहा था फेस बनाने की, जो कि इस तरीके का फेस मैं बना रहा हूँ, आप लोग उसमें देख रहे होंगे। एंड अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो बैकग्राउंड में पीछे की ओर से आप जा कर के देख सकते हैं और वीडियोस को। तो इसमें आज हम कलर करेंगे। इसमें देखिए मैंने कलर कर दिया है और वीडियो आप में आप देख रहे हैं कि ये कलर कर रहे हैं हम लोग, और इसमें इतना कलर हो गया है। और पिछले वाले वीडियो में आधा कलर मैंने मतलब आपको आधा दिखा दिया था कि पुट्टी और पीओपी लगा दी थी मैंने। एंड अब तो इसमें कलर ही होगा। और इसका देखो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कलर हुआ है पूरी तरीके से, आगे पीछे और बैकग्राउंड और नीचे गले की ओर को मैंने इसको भी नहीं बनाया है नीचे को। ये जब फेस लगेगा तो इसको हम तभी पूरा तरीके से बनाएंगे, उसमें उसकी बॉडी में पूरा फेस लगेगा जब तब बनेगा। एंड और आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं आर्ट वीडियोस डालता हूँ, इसमें आर्ट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं। तो अब इसका जो है कलर स्टार्ट करते हैं। कलर मैंने ऑयल पेंट किया है, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं दीवारों पर और उस पर जैसे खिड़कियों पर करते हैं लोग ऑयल पेंट, तो वो कर रहे हैं इसमें। तो पहले लाइट टू डार्क करेंगे, इसमें आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, क्योंकि ऑयल कलर में आप कैसे भी आप कलर कर सकते हैं, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो इसका होठों को कलर करते हैं हम। एंड होठों में भी मैंने थोड़ा बहुत लेयर करके कलर दिया है इसमें। एंड जो कि अंदर की ओर को जो है होठ जो है डार्क होते हैं और बाहर की ओर को लाइट थोड़ा दिखे, तो इस तरीके से मैंने इसमें कलर किया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कलर। कमेंट में बताइएगा आप कैसा लग रहा है आपको फेस, मैंने इस तरीके से बनाया है। और अल्मोड़ा दशहरे के लिए बनाया है, आप लोगों को पता होगा अल्मोड़े का दशहरा कैसा होता है। अगर नहीं पता है तो मेरे इसमें अल्मोड़ा दशहरे का भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्टों में जा कर के, अल्मोड़ा दशहरा प्ले लिस्ट। तो देखिए लगभग मैंने होठों में इसका कलर कर दिया है, लेकिन काफ़ी रातों को जग जग के मैंने ये फेस बनाया था। तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ा बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है इसको बनाने में। तो देखिए मैंने ये बना दिया है, इसके होठ बना दिए। अब इसका जो है और चीज़ें बनाएंगे, आई बॉल्स बनाएंगे। तो आई बॉल्स के लिए मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने आपको बताया था। आई बॉल्स के लिए मैंने एक अलग से आई बॉल बनाया है इसका, और दो अलग से आई बॉल बनाए थे। देखिए मैं लगा रहा हूँ इनको, लेकिन ये आई बॉल्स हो गए थे छोटे, तो फिर से मैंने इनको निकाला और फिर दूसरे आई बॉल्स बनाए और फिर वो लगाए। ये आई बॉल्स थोड़े छोटे हो गए थे, इसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद अभी मैं सोच रहा था कि मैं उस जैसे कलर कर करके ही आई बॉल्स बनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर भी अलग डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ करके आई बॉल्स, क्योंकि वो पूरी तरीके से गोल आते हैं जो मैं अलग से बनाता। तो मैंने अलग से बनाए फिर आई बॉल्स। एंड देखिए आईब्रो बनाता हूँ। आईब्रोज़ के लिए मैंने देखिए मैंने थोड़ा एंग्री फेस दिखाना था, तो उस तरीके से ही मैंने एंग्री फेस बनाया था। तो उसकी आईब्रोज़ भी काफ़ी नीचे की ओर को होनी चाहिए थी, और उसी तरीके से मैंने आईब्रोज़ बनाई है। एक बार मैंने एक आईब्रो थोड़ा काफ़ी ऊपर तक का ले गया था, तो फिर मैंने उसको मिटाया और फिर से मैंने उसका आईब्रो बनाया। तो आप लोगों ने पेंसिल से पहले ही आईब्रो बना लेना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसमें आपने ब्लैक कलर करना चाहिए। और उसके बाद भी मैं ब्लैक कलर करने के बाद उसमें जो है क्रेप लगाता हूँ, जो कि ब्लैक कलर का क्रेप आता है, वो आईब्रोज को और थोड़ा रियलिस्टिक दिखाएगा और आईब्रोज थोड़ी 3D लगेंगी। इस तरीके से लगाया जाएगा। एंड आईब्रोज के लिए मैं पहले ही ब्लैक कलर कर लेता हूँ, ताकि बाद में अगर वो जो क्रेप है वो अगर निकल भी गया तो ब्लैक दिखेगा उसमें। एंड मुस्टैच भी बनाए थे मैंने इसमें, तो ये देखिए हम दो जने मुस्टैच लगा देंगे इसके नीचे। तो
हम लोगों ने मूछें लगाई हैं इसकी, आप लोग देख सकते हैं। और ये आईबॉल्स मैंने देखे दूसरे बनाए थे, मैंने इसमें ऐसे ही रख करके देखे कि कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे थे, गोल आ रहे थे। तो अलग आईबॉल्स बनाए जो कि आइस के बराबर के फिट के बनाए थे। तो मैं सोच रहा था ये टीम ट्रिमर से कट जाए, लेकिन ट्रिमर से नहीं कट रहे थे, तो हमने कैंची से काटे इसको। पहले इसमें ग्लू लगाया और फिर इसको लगाए। और ये काफी दिनों की मेहनत रही थी मेरी। तो देखिए लगभग हमने मूछें लगा दी है एंड फिर इसके आईब्रोज लगा रहे हैं हम। तो आईब्रोज के लिए ही वही उसी चीज का यूज किया है, क्रेप का। एंड मैंने क्या कहा था, आईब्रोज थोड़ा मैंने एंग्री वाले दिखाने थे तो वैसे दिखा रखे हैं। तो देखिए आईब्रोज भी मैंने लगभग इसके बना दिए हैं। आईब्रोज के बाद हम इसमें जो पहले से टीका होता था ना, तो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में हर एक वंश का अपना एक टीका लगा करके घूमता था, जो कि रावण परिवार में भी सभी लोग अपने माथे में टीके लगा के घूमते हैं। तो मैंने भी एक टीका लगाया इसमें, वो शायद मैं वीडियो तो नहीं बना पाया उसकी, लेकिन मैं पेंसिल से ड्रॉ किया था, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखेगा। एंड इतना ही मैंने देखा बना पाया इसका। और तो ये देखिए मैंने फ़ोटो वोटो खींची थी जो मैंने वो बनाया, और आँखें भी मैंने इसकी चिपका दी जो कि ग्लू से चिपकाई थी। और ये देख सकते हैं आप, मैं ये इसके लिए आईलैशेस भी लेके आया था, तो काफ़ी बड़ा फेस है तो उसमें आईलैशेस भी ज़्यादा लगेंगे। एंड थोड़े बहुत और बड़े होते आईलैशेस तो और अच्छा होता। तो देखिए फिर भी मैं आईलैशेस लगा रहा हूँ, एंड आईलैशेस लगाने का इसका एंड पार्ट है। एंड आईलैशेस लगा के ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और फिर इसको पुतले की बॉडी में जो है अटैच करेंगे, फेस को लगाएंगे। और मैं आपको फ़ोटो ही दिखा सकता हूँ उसकी, क्योंकि मैंने वहाँ जा कर के ये वीडियो शूट नहीं करा था। और अगर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगले बार से पूरा वीडियो शूट करूँगा और पूरी तरीके से बनाऊँगा, क्योंकि ये साल में एक बार आता है, दशहरा एक बार ही होता है साल में। तो इस तरीके से देखिए पूरा तरीके से मैंने इसको बनाते हुए आपको दिखाया है, एंड ऐसा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। एंड ये आप लोग फ़ोटो कुछ देख सकते हैं इसकी, जो फ़ोटो वोटो मैंने क्लिक करी थी, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, आप लोग वो देख सकते हैं। एंड ये वीडियो हो चुका है कंप्लीट, और आप लोग तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आगे को भी मैं इस तरीके के आर्ट वीडियोज़ लेते रहूँगा। और आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ड्राइंग में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust.